सो फ्रेंड्स, आपने सही देखा है, जो थंबनेल देखा है, जो आपका फ़ोन कोई भी टच करेगा तो ये फ़ोन अपने आप चिल्लाएगा, अपने आप बोलेगा हमें कोई टच कर रहा है। तो चलिए मैंने आपको दिखाता हूँ लाइव करके, और फिर मैं लास्ट में आपको, मैं पूरे इस करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे करना है और इसके लिए क्या सेटिंग है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो वर्क करने के लिए देखिए, यहाँ पर एंटी पॉकेट है, चार्जर अलार्म है, और उसके बाद यहाँ पर क्लैप टू फाइंड फोन है ताली बजाने से, और ये एंटी टच है। तो चलिए मैंने यहाँ पे एंटी पॉकेट है तो एंटी टच पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे चारों ऑप्शन है, मैंने टच कर लिया। यहाँ पे एक ऐड आएगा क्योंकि ये फ्री वर्जन है, अगर आपको ऐड नहीं चाहिए तो आप पैसा दे करके प्रीमियम कर सकते हैं। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम मैं मीडियम कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा हाई वॉल्यूम रहने से ये बहुत ज़्यादा शोर करेगा। तो देखिए, जैसे मैंने इसे यहाँ पर स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद ये यहाँ से बंद कर दिया। अब ये फ़ोन बंद है दोस्तों, लेकिन अब मैं जैसे इसको टच करूँगा तो जब तक इसमें पिन नहीं डालूँगा, जो पिन मैंने सेटअप किया है, तब तक ये चिल्लाते रहेगा। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, और जैसे इसको टच करूँगा ये अपने आप चिल्लाने लगेगा। देखिए, देख लीजिए दोस्तों, अब ये ऐसे चिल्लाने लगा, और जब तक हम इसमें अब वो पिन नहीं डालेंगे तब तक ये ऐसे ही चिल्लाते रहेगा। अब अगर हम लॉक खोल भी दिए तो देखिए, अब मैंने इसे यहाँ से स्टॉप करने के लिए पिन डालना पड़ेगा। अभी पिन डालने के बाद ही ये बंद होता है। सो आपने देख लिया, अगर आपने कहीं पे फ़ोन लगाया है और फ़ोन लगा के चार्ज में रख दिया, और चार्ज में रखने के बाद अगर आपको लगता है कि मतलब आपके फ़ोन को कोई छुए नहीं, और कोई छुए तो वो पता चले, तो फिर आप ये सेटिंग ऑन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको एक छोटी सी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं अपने प्ले स्टोर को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे डोंट टच माई मोबाइल। तो चलिए मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ डोंट टच माई मोबाइल, और ये यहाँ पे सर्च कर लेते हैं और देखते हैं इसको ये कौन सा ऐप है, मैं आपको बता दूँगा। देखिए यहाँ पर डोंट टच लिखा हुआ है, ये ऐप पे डोंट टच है, और ये पहले से इंस्टॉल किया हुआ है मेरे मोबाइल में। तो चलिए मैं इसे इसका सारा परमिशन रिमूव किया हूँ, और मैं आपको शुरू से सब कुछ करके दिखाऊंगा। इसके लिए यहाँ से टच करूँगा तो देखिए ये इंस्टॉल है। अब मैं आपको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, और कुछ ऐड देखने के लिए आपको मिलेगा क्योंकि ये फ्री वर्जन है। इसके बाद मैं इसे यहाँ से ऐड को थोड़ा सा, यहाँ ये स्टार्ट का ऑप्शन है तो मैं इसे यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के बाद इसमें ऐड देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलिए मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ, और टच करने के बाद यहाँ पे जो एक चेक बॉक्स दिख रहा है इसको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर से एक ऐड देखने के लिए मिलेगा, इस ऐड को यहाँ से कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन अलाउ करने के लिए मांगेगा, तो मैं इसे यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। इसका मतलब हुआ कि जो भी आपके फ़ोन को टच करेगा उसका ये फ़ोटो पिक्चर ले लेगा, और या तो वीडियो रिकॉर्ड कर देगा। तो इसे हम यहाँ से अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ पे ये कंटिन्यू टू ऐप है, यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर एक पिन सेट करने के लिए बोलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पिन सेट कर लेता हूँ, 1122। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर से ऐड आ गया है, तो मैं इस ऐड को यहाँ से कट कर लेता हूँ। और कट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग को यहाँ से ऑन करेंगे, और सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे वाइब्रेशन, जब आपका फ़ोन अलार्म में हो तब आप चाहते हो कि वाइब्रेट करे, आवाज़ ना करे, तो आप यहाँ से इसे अलाउ कर देंगे। सेट कस्टम साउंड पे क्लिक करके आप कोई भी साउंड ले सकते हैं। आपके मोबाइल में कोई गाना या कुछ है तो आप यहाँ से फ्रॉम फोन से ले सकते हो, रिंगटोन ले सकते हो, ऐप साउंड ले सकते हो, कुछ भी आपको जैसा दिल करे आप वैसा यहाँ से साउंड चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ब्लिंक फ्लैश लाइट ऑन है, अगर आपका फ़ोन कोई भी फ्लैश लाइट आपका जो है जब अलार्म में रहेगा तो आपका जो पीछे का टॉर्च है वो जलने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन है, मतलब कि जब आपका फ़ोन कोई भी टच करेगा तो जब तक वो फिंगरप्रिंट नहीं देगा तब तक वो बंद नहीं होगा अलार्म। उसके बाद यहाँ पे यूज फुल वॉल्यूम है, अगर आप वॉल्यूम को फुल रखना चाहते हो तो यहाँ से फुल रख सकते हो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मूवमेंट सेंसिटिविटी, तो यहाँ पर मैंने मीडियम में रखा हूँ क्योंकि हाई में बहुत ज़्यादा ये आवाज़ करता है।
और अलार्म डिले आप यहाँ से टच करके आप 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड ले सकते हैं। मतलब जब आप स्टार्ट कर देंगे अलार्म को तब वो 5 सेकंड के बाद से वो वर्क करना चालू कर देगा। तो मैंने 3 सेकंड लिया है, तो चलिए मैं यहाँ से 5 सेकंड ले लेता हूँ और यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ। और ओके करने के बाद इसे मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों जब ये आपका फ़ोन पॉकेट में रहेगा, मान के चलिए आप ट्रेन में चल रहे हैं और आपको लगता है कि आपका ट्रेन फ़ोन अगर कोई पॉकेट मारी कर ले, अगर कोई खींच ले, तो आप ये अलार्म को सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही कोई भी फ़ोन को आपको टच करेगा, छुएगा, तो ये फ़ोन ऑटोमेटिक सायरन की तरफ बजने लगेगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा आपका फ़ोन किसी ने टच किया है। तो इससे आपका फ़ोन चोरी होने का डर नहीं रहेगा। या फिर चार्जर में आप लगा रखे हो फ़ोन को और चाहते हो कि इस फ़ोन को कोई भी टच ना करे, तब आप यहाँ से इसे क्लिक करके सेट कर सकते हो। और चाहते हो कि फ़ोन आपका कहाँ रखा हुआ है, ताली बजाने से आपका फ़ोन आवाज़ करने लगेगा और ये एंटी टच है। आपके फ़ोन को कोई भी अगर टच करेगा, कहीं टेबल पे रखा हुआ है, मेज पे रखा हुआ है, और अगर वो टच कर देगा, केवल आपने स्टार्ट करके रख दिया और टच कर देगा, तो ये फ़ोन अपने आप बजने लगेगा। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एंटी टच का ऑप्शन है, एंटी पॉकेट का भी ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पर अभी टेबल पर रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से टच करूँगा। टच करने के बाद ये ऐप्स आएगा, तो मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा ऐप को देख लेता हूँ और यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, ये 5 सेकंड बाद ये चालू हो जाएगा, एक्टिवेट है ये। वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम जो है मैं मीडियम रखा हूँ, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम रखने से बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो चलिए मैं इसे यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये 5 सेकंड बाद ये सेटअप हो जाएगा। अब ये अगर फ़ोन हम बंद करेंगे, छुएंगे, कुछ भी करेंगे, ये आवाज़ करने लगेगा। इसका पावर बटन ऑफ नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और ये मान के चलिए चार्ज में लगा हुआ है या टच रखा हुआ है इसे। अब मैं इसको टच करता हूँ, देखिएगा ये कैसे आवाज़ करेगा। देखिए दोस्तों, अब ये तब तक चुप नहीं होगा जब तक आप इसे पिन ना दे देंगे। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को सिक्योर रख सकते हैं, और पावर बटन ऑफ कर देंगे तब भी ये वर्क करेगा। जैसे कि आपने मान के चलिए यहाँ पे तो ये ऑन था स्क्रीन, अगर आपने इसे यहाँ से पावर बटन को ऑफ कर दिया, और तब भी ऐप का काम करता ही रहेगा। जैसे ये साइट है और मैंने पावर बटन को ऑफ कर दिया, और अब 5 सेकंड बाद फिर इस फ़ोन को कोई भी छुएगा, आपने कहीं पे रख दिया है, ये ट्रेन में, जेब में, बस में, कहीं भी जा रहे हैं और जेब पॉकेट में रख दिया, फिर कोई अगर छुएगा तो ये आवाज़ करेगा। देख लीजिए, लाइव में आपको छू के दिखा रहा हूँ, देख लीजिए दोस्तों, ये जैसे ही छुएंगे इस फ़ोन को, ये वैसे ही आवाज़ करने लगेगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे पिन डाल देता हूँ और ये बंद हो जाएगा। दोस्तों, इस ऐप का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जा कर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक यहाँ से लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर ये बेल बटन को प्रेस करें और इसे ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे यूजफुल ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।